सब्सक्राइब करें हमारे स्वास्थ्य ज्ञान और हेल्थ जीवन चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। तो आजकल नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत बड़ी बात हो गई है। जैसा कि आज का ज़माना चल रहा है, डॉक्टर ऑन सीजर के लिए बोलते हैं। पर दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपकी फर्स्ट डिलीवरी है तो वह नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी फर्स्ट डिलीवरी सीजर होती है तो सेकेंड डिलीवरी नॉर्मल होना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी से आपके दो फायदे, एक तो आपका बहुत सारा पैसा बचता है और एक दूसरा माँ भी स्वस्थ रहती है, क्योंकि पुराने ज़माने में नॉर्मल डिलीवरी हुआ करती थी। तो दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी रखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे माँ अपने बच्चे को डिलीवर नॉर्मल करे। दोस्तों, जो पहली बात है, जो गर्भाशय रहता है वह फ्लूइड से बना रहता है। तो माँ जब प्रेग्नेंट रहती है तो माँ को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, 5 लीटर, मैं कहता हूँ 5 लीटर पानी पीना चाहिए, जिससे वह फ्लूइड बरकरार रहे। अगर आपने देखा होगा, जब फ्लूइड की कमी होती है तभी डॉक्टर सीजर्स के लिए बोलते हैं। तो अगर माँ अच्छे से पानी पीती है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, जो दूसरा है वह है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड आपको गर्भावस्था से 3 महीने पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि फॉलिक एसिड से ही आपका बच्चा स्वस्थ, सुंदर और हेल्दी पैदा होगा। दोस्तों, डिलीवरी के टाइम महिलाओं को चाय, कॉफ़ी या फिर अल्कोहल से बहुत दूरी बनाना चाहिए। यह भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जिसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। इसके अलावा दोस्तों, आप जो भी घर का काम कर रहे हैं, झाड़ू पोता जो भी कर रहे हैं, वह खड़े होकर बिल्कुल भी ना करिए। उन कामों को आपको घुटने पर बैठकर करिए, खड़े होकर करेंगे तो आपके बेबी पे प्रेशर आएगा। दोस्तों, तनाव से आपको बिल्कुल भी दूर रहना है। तनाव और स्ट्रेस के कारण नॉर्मल डिलीवरी हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और माँ को सीजर के लिए जाना पड़ता है। तो जहाँ तक हो सके तनाव से दूर रहिए। डिलीवरी के टाइम अब आपने माँ बाप के साथ रहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिले। आप जितना रिलैक्स रहेंगे नॉर्मल डिलीवरी उतनी ही अच्छी होगी, और आप जितना पैनिक रहेंगे तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, और अंत में आपको सीजरियन करवाना पड़ता है, जिसमें माँ को भी तकलीफ होती है और पैसा भी बहुत खर्चा होता है। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा जो कि आयुर्वेदिक में की गई है। आयुर्वेदिक के अनुसार नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा इंटेलिजेंट पैदा होता है, क्योंकि दोस्तों हमारे पुराणों में आप देखा जाएंगे तो उस टाइम नॉर्मल डिलीवरी होती, सीजरियन नहीं होता था। आज के इस युग में माँ ने अपनी सारी क्षमताएं खो दी है बुरी आदतों से, अल्कोहल, घूमना, शॉपिंग, बर्गर, फास्ट फूड। दोस्तों, कम से कम डिलीवरी के टाइम आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए। और यह भी कहा जाता है आयुर्वेदिक में, बच्चा जब गर्भ में रहता है तो उसे अपने पुराने संस्कार याद रहते हैं, पर जैसे ही वह रोता है उसे बुखार आता है डिलीवरी के टाइम, और बुखार उतर जाता है और उसके सारे संस्कार, पुराने संस्कार सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं और एक वो नई ज़िंदगी से स्टार्ट करता है, ऐसा हमारे आयुर्वेदिक में कहा गया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए।